चुनाव है जो 13 तारीख को आपके इस लोकसभा क्षेत्र में संपन्न होने जा रहा है, ये सांसद चुनने की लड़ाई नहीं है, ये जनप्रतिनिधि भेजने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की। क्योंकि जो केंद्र में बैठी सरकार है, लोकतंत्र को ही समाप्त कर देना है, संविधान को ही समाप्त कर देना है। आज संविधान का जो कवच 1950 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो पूरे देशवासियों को पहनाया था, वो कवच हटाने की ये लोग साजिश कर रहे हैं कि संविधान ही खत्म कर दो। और आज विपक्ष के जो इनके नेता हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं, आप देख लीजिए हेमंत जी को, 2019 में आपने जन सरोकार की सरकार बनाने का काम किया, गरीबों आदिवासियों को की सरकार बनाने का काम किया, गरीबों की सरकार बनाने का काम किया, और इन विपरीत परिस्थितियों में निरंतर हेमंत जी अंतिम पंक्ति के लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे थे, सरकार पेंशन देने का काम कर रहे थे। हमारी 50 साल की जो महिलाएं हैं, चाहे किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, सभी महिलाओं को पेंशन देने का काम कर रहे थे। केंद्र की सरकार जो यहाँ के लोगों का छत छीन ली थी, पूरे झारखंड के लोगों का, आज 20 लाख लोगों को अगुआ आवाज देने का काम कर रहे थे, सावित्री बाई फुले योजना देने का काम कर रहे थे। रास नहीं आया कि ये आदिवासी का बच्चा झारखंडियों को जगा देगा, झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिला देगा, तो फिर हम कौन सा झूठ परोसेंगे, जाकर कैसे बदलाएंगे झारखंडियों को। इसीलिए बहुत दबाव डाला गया कि आ जाओ हमारे तरफ, और नहीं तो तुमको जेल में डलवा देंगे। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि झारखंड की जनता के विरोध हम कहीं कोई समझौता नहीं करने वाले, जेल की बातों को हमें फांसी पर लटका दो, झारखंड के लोगों का हक अधिकार के विरोध हम कोई तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं है, कोई समझौता करने वाले नहीं है। जब अंत में वो नहीं झुके, उन्हें जेल की सलाखों के जो लोग भ्रष्टाचारी लोग, जिन पर भ्रष्टाचार उपचार के सैकड़ों आरोप है, वो चले जाते हैं उनके शरण में, शरणागत हो जाते हैं, और वो वॉशिंग मशीन की तरह, वॉशिंग मशीन में जैसे धुलाकर कपड़ा निकलता है, वैसे धुलाकर बाहर हो जाते हैं। आपके तेजस्वी जी भी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर भी अनेकों मुकदमे किए गए, आपके नेता लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर भी अनेकों मुकदमे किए गए, लेकिन इन्होंने भी घुटना नहीं टेका। आज इन्हें भी तरह तरह से ईडी सीबीआई से परेशान किया जा रहा है। हमारे वीआईपी के नेता भाई मुकेश सहनी जी, जो पूरे देश में गरीबों को, मल्लाहों को जगाने का काम कर रहे थे, आज उनके साथ नहीं है, इनकी सुरक्षा छीन ली गई। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे तानाशाहियों को गद्दी से उतार फेंकना है, और नहीं तो आने वाला दिन जो बहुत भयानक दिन होने वाला है, आने वाले दिन में आज नेताओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मुख्यमंत्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं, अन्य पार्टियों पर अत्याचार हो रहे हैं, आने वाले दिन में आप पर अत्याचार होगा, आपको घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा, आपको प्रखंड कार्यालय में अपनी गुहार लगाने नहीं जा सकते, थाने में अपनी गुहार लगाने नहीं जा सकते। इसलिए आज
ये संकल्प लेकर यहाँ से जाना है कि अपना एक एक वोट जो ईवीएम का दो नंबर का बटन है, लाल डेन छाप का बटन, आप गुलामों की मैया, आपकी बेटी, आपकी बहन ममता भैया के पक्ष में डालकर और षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को समाप्त करना है। और